हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति राजपूत। और आज है वेडिंग हॉल का पार्ट 3 एंड लास्ट। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको डाइनिंग रूम, जो कि बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा था, बहुत ही मस्त था यार। सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था लुक इसका पूरा हॉल, मतलब बहुत जो तो मस्त लग रहा था बहुत ज़्यादा। इतना मतलब मेरे खाने में ध्यान नहीं था जितना कि मुझे डेकोरेशन देखने में ध्यान था। बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे डेकोरेशन का, बहुत ही प्यारा, जैसे कि आप देख सकते हो। और वाइट एंड गोल्डन कलर का पेंट हुआ था, बहुत ही मस्त लग रहा था यार कसम से। और ये स्टार्टिंग होती है सैलेड से, डिफरेंट डिफरेंट सैलेड थी यहाँ पे, मतलब बहुत बहुत सारे ऑप्शन थे सैलेड में भी, बहुत सारे ऑप्शन थे सैलेड में भी। कंफ्यूज हो रहे थे क्या ले क्या नहीं ले। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा मुझे डेकोरेशन लगा इनका, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। और बहुत मस्त हॉल था, कम्प्लीटली मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही प्यारा हॉल था। और ये सारा सैलेड है इधर, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसका पेंटिंग भी, इसका लुक और मतलब डेकोरेटर जैसे मतलब कर रखा है यहाँ पे, सामान रख रख के बहुत ही मस्त लग रही थी इनकी सारी डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा प्यारी। मैं तो देख रही थी बार बार, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखिए। और इधर है स्वीट कॉर्नर है, ये सब स्वीट्स हैं यहाँ पे। और डाइनिंग हॉल के साथ साथ में इसमें स्टेज भी था, मतलब आप हम एंगेजमेंट का सेलिब्रेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन कर सकते हैं एंगेजमेंट का, और कोई भी पार्टी हो टुगेदर हो तो वो भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। इतने मतलब इसी हॉल के अंदर है सब सेटिंग्स हैं, और बाहर तो है ही, वो मैंने आपको दिखाया था। और ये सब स्वीट्स कॉर्नर्स हैं इसके, और बहुत सारे स्वीट्स ऑप्शन थे, बहुत ऑप्शन थे स्वीट्स में भी। और मैं तो इनकी सजावट देख के बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा था यार देखते रहो, बहुत ही मतलब मस्त मस्त रख रखी थी चीज़ यहाँ पे, डेकोरेट कर रखा था सब कुछ चीज़, बहुत ही प्यारा था जैसे कि दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। और ये स्टार्टिंग होती है मतलब सब्जी वगैरह स्पाइसी चीज़ें, मतलब सब्जी वगैरह है, नान वगैरह है, सब इधर था। ये सब्जी वगैरह कॉर्नर है, और सब्जी भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थी, आई थिंक शायद 20 या 15 सब्जीज के ऑप्शन थे यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन थे। और प्रॉपर तो मैंने दिखाया भी नहीं आपको, अगर दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती मेरी, इसलिए मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया, बस थोड़ा बहुत दिखा पाई मैं आपको, ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि एक मतलब भीड़ ज़्यादा थी तो हर किसी को कैमरे में लेने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, इसलिए फिर मैंने जो दिखा मतलब थोड़ा बहुत ही दिखा पाई, ज़्यादा दिखा नहीं पाई। और ये है दही, सब ऑप्शन था, गुड़ वगैरह था, सब कुछ था साथ के साथ में, जिसको जो खाना है वो खाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा मैंने सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जेंट्स भी थे फीमेल भी थी, तो मतलब इसलिए कभी क्या पता किसको बुरा लग जाए कि वीडियो बना रही है हमारी, इसलिए भी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस जितना हो सका उतना मैंने बनाया और आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, और कॉमेंट लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ यार। और इधर से प्लेटिंग शुरू होती है हमारी,
और खाना हमारा हो गया, हम बाहर आ गए हैं और ये मैं अपना लुक दिखा रही हूँ आपको। कैसा लगा मेरा लुक प्लीज़ बताना कमेंट करके। और ये है प्रॉपर हॉल लुक बाहर का। और जैसा दिख रहा होगा आपको कितना कोहरा पड़ा हुआ है, लाइटिंग की वजह से कम दिखाई देगा आपको। वैसे अदरवाइज़ दिख रहा था, कैमरे कैप्चर नहीं कर रहा, वैसे दिखा हुआ था। बहुत कोहरा पड़ा हुआ था, सब कुछ गीला हो गया था। इधर रखा हुआ सामान, टोटली सामान, चेयर वगैरह सब कुछ गीला हो चुका था, जिसके कारण कि ज़्यादा मतलब ठंड लग रही थी, ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। इसलिए मतलब बार बार में चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पी रहे थे बार बार में, ताकि ठंड ज़्यादा ना लगे और बीमार ना पड़े हम, कभी शादी के चक्कर में बीमार पड़ के बैठ जाएँ। और ये है प्रॉपर हॉल का लुक, इन्विटेशन गार्डन। ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मस्त था, सर सीरियसली यार बहुत प्यारा था।